हेलो स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 8 के लिए है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नेम इज नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो आज हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पावर मीन्स एनर्जी। जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, या मोबाइल में कोई चीज़ सर्च करते हैं एजुकेशनल वाली, या कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, तो वो किसके थ्रू? पावर रिसोर्सेज के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल रॉक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स आर। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं और इसके एक डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है और इसके स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मिनरल्स की अपनी। ऑल रॉक्स आर ए कम्बिनेशन ऑफ मिनरल, जो कि जितनी भी रॉक्स हैं वो मिनरल्स के कम्बिनेशन मीन्स मिनरल रॉक्स में ही पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स एंड आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि मिनरल्स सभी जगह एक ही जैसे होंगे। कहीं पर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और कहीं किसी प्लेस में किसी टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। उनके अपनी क्लाइमेट के हिसाब से, बेसिस ऑफ क्लाइमेट, लैंड और टेम्परेचर। तो इन मिनरल्स को भी टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो मिनरल्स कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के, ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हमें लिविंग थिंग से मिले वो ऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिले वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो लिविंग थिंग से कौन से मिलने वाले हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? प्लांट्स और जो रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल कई अर्थ के नीचे दबते जाते हैं, रॉक्स में दबते जाते हैं। किसके कारण? टेम्परेचर और क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, बारिश है, उसके कारण ये रॉक्स में दबते जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स से हमें क्या मिल रहा है? कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। इनको, कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल्स फ्यूल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज ए फ्यूल्स, क्योंकि ये रिमेन्स हैं और हजारों नहीं लाखों साल पहले ये चट्टानों में दबते चले गए थे, इसलिए ये फॉसिल फ्यूल्स में फॉर्म हो गए। सेकेंड टाइप्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग थिंग से जो मिले, जो लिविंग थिंग से नहीं मिले, जो नॉन लिविंग थिंग से फॉर्म होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स कहते हैं। देयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक सभी ने पढ़ा है साइंस में, मेटल एंड नॉन मेटल, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सॉलिड होते हैं और इनमें एक प्रॉपर्टी होती है लशर की प्रॉपर्टी होती, मीन्स इनको अगर पॉलिश कर दें तो ये साइन करते हैं, चमकते हैं, इनके इनमें चमक होती है। नॉन मेटेलिक ये ब्रिटिल होते हैं, इनमें ये लशर की प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है, जैसे माइका, जिप्सम एंड लाइम स्टोन। ऑल मिनरल्स आर फाउंड इन अ रॉ स्टेट एंड हैव टू बी प्रोसीड टू रिमूव इम्प्योरिटी बिफोर they can be used. Minerals in raw form are called ores. तो वो सभी minerals raw state में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें iron लोहा वहां पर पड़ा है तो iron मिल गया, नहीं, वो raw state में पाए जाते हैं ore के form में। Ore, minerals in raw form, वो minerals जो raw form में minerals होते हैं उनको हम ores बोलते हैं। तो raw form minerals are called ores. फिर इनकी क्या करते हैं? प्रोसेस करके इनकी इम्प्योरिटी जो होती है उनको रिमूव कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद उनको यूज किया जाता है। ओनली दोज ओर्स आर माइंड इन विच देयर इज ए हाई मिनरल कंटेंट एंड आर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड डीप बेनिथ द सर्फेस वाइल सम आर फाउंड नियर द सर्फेस। कुछ मिनरल होते हैं जो बहुत ही अर्थ के जो क्रस्ट है उसके अंदर होते हैं, और कुछ मिनरल्स होते हैं वो नियर द सरफेस, सरफेस के ही पास में पाए जाते हैं।
तो द टू मेन मेथड्स ऑफ माइनिंग ये किसके थ्रू निकाले जाते हैं, माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं मिनरल्स। तो टू मेथड्स हैं माइनिंग की, डीप शाफ्ट माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग। डीप मीन्स बहुत गहराई तक, माइनिंग इन विच डीप होल्स आर मेड टू रीच द ओर लाइंग एट ए ग्रेट डेप्थ बीनीथ द क्रस्ट के बहुत अंदर तक होल किया दिए जाते हैं ड्रिलिंग से, उसके थ्रू निकाले जाते हैं मिनरल्स। ओपन कास्ट माइनिंग इन विच लार्ज पिट्स आर डग टू एक्सकवेट द ओर लाइंग एट शैलो डेप्थ मीन ज्यादा गहराई तक उसको नहीं ड्रिल करते हैं, बीनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो टू टाइप्स की माइनिंग होती है, टू मेथड्स होते हैं माइनिंग के, डीप शाफ्ट माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर आल्सो डग आउट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड क्वेरिंग, जो नियर सरफेस के पास आसपास में होते हैं तो उनको क्वेरिंग की प्रोसेस से निकालते हैं मिनरल्स को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल्स कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने जैसे आपको बताया कि मिनरल्स हर किसी प्लेस पे हर जगह पर नहीं मिलते हैं, कुछ मिनरल्स कहीं पर मिलते हैं और कुछ मिनरल्स कहीं पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोल सब जगह मिल रहा है, कोल सिर्फ झारखंड के धनबाद में ही मिलता है और भी एक दो जगह होती हैं, और गोल्ड सभी जगह नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, कर्नाटका में। तो आयरन ओर, तो द थ्री मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर इन ऑर्डर ऑफ क्वालिटी के हिसाब से होती है आयरन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट। तीन टाइप्स के आयरन ओर हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट। द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मिनरल बेंच मार्क्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मिक्सिंग आयरन विद अदर एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस एन अलॉय कॉल्ड स्टील। अगर हम आयरन को, अलॉय क्या होता है, दो या उससे अधिक मेटल, जो टू और मोर मेटल्स को मिक्स करना, उसको बोलते हैं अलॉय। तो जो स्टील के जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, टेंसिल्स होते हैं, वो एक अलॉय है, मीन्स दो या तीन से ज्यादा मेटल उसमें मिले हुए हैं। तो मिक्सिंग आयरन विद अदर एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस एन एलॉय कॉल्ड स्टील विच फॉर्म्स द बेस फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कहाँ पर पाया जाता है ये आयरन ओर्स, ये आयरन, आयरन नहीं निकल रहा, ये ओर के फॉर्म में निकल रहा है, जिसको मिनरल का रॉ फॉर्म बोलते हैं, रॉ स्टेट। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका एंड USA आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ये आयरन ओर। अब सभी कंट्रियों में नहीं मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में, अब इंडिया में देखिए हर जगह हर स्टेट में नहीं है। तो आयरन ओर इन इंडिया, अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू बी इन इंडिया। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द मेन ओर्स फाउंड हियर। तो देखिए यहाँ पे मोस्टली कौन से ओर्स मिल रहे हैं आयरन के, टू टाइप्स वाले, दो मिल रहे हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। लिमोनाइट नहीं पाया जा रहा है इंडिया में। कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका आर द मेजर प्रोड्यूसर आयरन ओर के, आयरन नहीं निकल रहा उसका ओर्स। कॉपर, दिस मेटल हैज हाई कंडक्टिविटी एंड इज देयरफॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस अलॉय, और इससे भी अलॉय। तो अलॉय क्या है, टू आर मोर मेटल्स मिक्सिंग टूगेदर। कहाँ पर पाए जाते हैं, चिली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, किसका, कॉपर का। USA, पेरू, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जाम्बिया एंड कैनाडा आर अदर मेजर प्रोड्यूसर्स। अब देखिए इंडिया में कॉपर इन इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग एलॉय लाइक ब्रॉस, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। इससे ये एलॉय के नाम है, ब्रॉस, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। मेडल होता है ना ब्रॉन्ज मेडल, तो उसमें कौन सा मेटल मिक्स है, कॉपर। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, खेतरी इन राजस्थान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर। कॉपर इज आल्सो माइंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका।
तो जो क्षेत्रीय है राजस्थान का, वो मेन सेंटर है कॉपर का। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द ओर फ्रॉम विच वी गेट एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट क्या है? एक ओर है, उस बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है, जो एक मेटल है जिससे हमारे जो घरों के बर्तन होते हैं मोस्टली वो बनते हैं। तो इसका एल्युमिनियम का ओर कौन सा है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम नहीं मिल रहा है, उसका ओर मिल रहा है रॉक से, जिसका नाम है बॉक्साइट। द लाइटेस्ट मेटल, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्युमिनियम रिवोल्यूशनाइज्ड द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट मीन्स हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन, ये बनाने में। ऑल्सो बींग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्सटेंसली यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ये कहाँ पर यूज होता है? एयरक्राफ्ट मेकिंग, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। द मेन प्रोड्यूसर्स आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड जमाइका। अब बॉक्साइट इंडिया में कहाँ पर, किस जगह पर और इसका क्या यूज है? बॉक्साइट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ किचन वेयर, किचन वेयर मीन्स किचन के बर्तन बनाने में, एंड हाउस होल्ड फर्नीचर। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये सारे मिनरल्स के रिच स्टेट हैं। मैग्नीज, इट इज मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, एज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टील ऑफ वेयरिंग हार्डनेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड ग्लास। ब्लीचिंग पाउडर किससे और ये किसमें हेल्प करता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में एंड ग्लास मीन्स कांच को बनाने में। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो इस मैग्नीज का कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? चाइना। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, गेबन, कजाकिस्तान एंड इंडिया आर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर। मैग्नीज इन इंडिया, इट इज यूज फॉर सेम पर्पज एज मेंशन एबो। इसमें इंडिया में भी यही यूज होता है जो ऊपर आपने पढ़ा है, ग्लास बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, इलेक्ट्रिकल बैटरीज बनाने में और हार्डनेस को स्टील में इसको मिक्स करके इसकी हार्डनेस बढ़ाने में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में ये सब पाए जाते हैं। गोल्ड देखिए, गोल्ड जी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव मेटल। इट इज वेरी प्रिसीशियस मेटल एज इट इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी। इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ फॉरेन ट्रेड। लार्ज रिजर्व ऑफ दिस प्रिसीशियस मेटल प्रोवाइड कंट्रीज विद ए लॉट ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो गोल्ड है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि ये प्रिसीशियस मेटल और कम क्वांटिटी में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि जितना चाहे आप उसको निकाल लीजिए, माइन कर लीजिए, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है और ये बहुत, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव मीन्स अच्छी मानी गई है। और किसके यूज आते हैं? ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं, फॉरेन ट्रेड के काम में आते हैं। लार्ज रिजर्व ऑफ द प्रीसियस मेटल प्रोवाइड कंट्रीज विथ, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है तो ये गोल्ड अपना, गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, ये इसमें अपना योगदान देता है गोल्ड। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यही सब ज़्यादा मिनरल्स के कंट्रीज हैं जहाँ पर पाई जाती हैं। अब गोल्ड इन इंडिया में, गोल्ड इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कर्नाटका एंड झारखंड, कर्नाटका एंड झारखंड में गोल्ड की माइंस पाई जाती हैं, मतलब जो मिनरल्स, गोल्ड मिनरल्स है वो कर्नाटका एंड झारखंड में पाया जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ इंडिया, माइका एंड जिप्सम। इट इज बेस्ड यूज मेनली इन ग्लास मेकिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। कहाँ पर है? झारखंड, बिहार, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश आर द मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग दिस मिनरल। इंडिया प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट। इंडिया जो माइका का प्रोड्यूसर है वो 90% है, इंडिया में इसका प्रोड्यूसर 90% होता है। जिप्सम, इट इज मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने में काम आता है।
कहाँ पर प्रोडक्शन होता है? राजस्थान प्रोड्यूसेस 90% ऑफ इंडिया आउटपुट, तो इसलिए कहते हैं राजस्थान का पत्थर बहुत अच्छा माना जाता है। तो राजस्थान 90% प्रोड्यूस करता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड तमिलनाडु आर द अदर प्रोड्यूसर। पावर रिसोर्सेस, रिसोर्सेज विच प्रोवाइड एनर्जी, वो रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे उनको हम पावर रिसोर्सेस बोलते हैं। टू लाइट अवर होम्स, रन इंडस्ट्रीज, यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड पावर रिसोर्सेज। दीज आर ऑफ टू टाइप, कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें और जिससे हमारे घर में लाइट, इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जैसे डीजल, पेट्रोल ये सब, और मोबाइल टीवी जिसमें आप मोबाइल टीवी देख सकते हैं, तो ये सारी कौन से रिसोर्सेज हैं? पावर रिसोर्सेज। हमें एनर्जी के थ्रू हम ये सब काम कर पा रहे हैं, वो एनर्जी कन्वर्ट करके, जैसे मोबाइल देख रहे हैं तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट कर हो रही है, चार्ज में लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। कॉन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक, जो लंबे समय से चलती आ रही हो उसे हम कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहते हैं, कई सालों साल पहले से। तो द रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज ट्रेडिशनली आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द इम्पोर्टेंट कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज सोर्सेज एंड आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स एज दे हैव बीन फॉर्म्ड विद इन द अर्थ ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय से ये चलती आ रही हूँ, इसीलिए इनको कॉन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक, जैसे कोल, फायरवुड, लकड़ी, ये सब लंबे समय से चलती आ रही और ये क्लीन फ्यूल्स नहीं होते हैं, ये पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस। कोल, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट देयर आर फोर टाइप्स। तो जो कोल है वो कार्बन के कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो कोल कौन सा बेस्ट है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो फोर टाइप्स के कोल्स होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल, जिसमें कार्बन की कंटेंट ज्यादा होगी वो अच्छा माना जाएगा। तो फर्स्ट है एंथ्रासाइट, हैज 90% कार्बन एंड प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल स्मोक। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल क्वालिटी, इसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है और ये बहुत ही कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, मीन्स पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करता है। बिटुमिनस कोल इज द सेकेंड बेस्ट कोल विथ 65-70% कार्बन। अब इसमें 90 है, इसमें 60-70 है, तो एंथ्रासाइट्स के बाद ब्यूटुमिनस आया। लिग्नाइट हैज ओनली 40% कार्बन एंड गिव्स आउट ए लॉट ऑफ स्मोक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर होगा तो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। पीट हैज वेरी लिटिल कार्बन, इसमें बहुत कार्बन की कंटेंट होता है, इज नॉट फुली फॉर्म्ड एंड गिव्स लिटिल हीट एंड ए लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग, और बहुत कम हीट देती, जो हीट ज्यादा देगा वो ज्यादा अच्छा होगा, जो एनर्जी ज्यादा देगा उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं पीट। ये लॉट ऑफ स्मोक, हीट तो कम देगा लेकिन स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल, दीज कंट्रीज ऑल्सो हैव लार्ज रिजर्व। तो कोल का सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है? थर्मल पावर में, थर्मल पावर में सबसे ज्यादा कोल का यूज होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक रॉ प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, इसी से इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सारे। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ड्यू टू द कंपेक्शन ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी कौन सा मिनरल्स है? ऑर्गेनिक मिनरल्स है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के से ही बना है। इट हैज ए ग्रीनिश ब्लैक कलर, तो ये अगर पेट्रोलियम देखेंगे, इसका क्रूड ऑयल देखेंगे, वो ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है। ऑफ इट्स हाई वैल्यू, क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएसए, वेनेजुएला, अल्जीरिया एंड रशिया।
पेट्रोलियम का ये प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनको क्या करते हैं रिफाइनरी से, इनको ड्रिलिंग कर करके पेट्रोलियम को रिफाइनरी में भेजा जाता है, फिर ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से। नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस आर एसोसिएटेड विथ ऑयल, द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज हैज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। नेचुरल गैस आल्सो प्रोवाइड्स पावर फॉर डोमेस्टिक यूज। रशिया, नॉर्वे, द यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। बोथ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर एट ए ग्रेट डेप्थ इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड बाई बोरिंग डीप वेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, तो ये अर्थ के बहुत नीचे तक इनको ड्रिलिंग किया जाता है, पाइप्स डाले जाते हैं, उसके थ्रू निकाला जाता है। तो नेचुरल गैस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। ओके, अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसका सेकेंड पार्ट। ओके.